Thank you.
देखिए, आज हम सब यहां पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और म्यूजिक की जहां तक बात करें, वी'ड लाइक टू एक्सटेंड आर थैंक यूज टू द म्यूजिक लेबल जी म्यूजिक कंपनी एंड ऑल्सो पीपल हु हैव मेड दिस इवेंट पॉसिबल. श्री प्रवीण चंद्र, जनरल मैनेजर होटल ताज लायंस एंड मिस्टर मनोज धुमाल, बीकेएस सेक्रेटरी ताज होटल कमिटी एंड ग्रैंड हयात कमिटी. प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही स्पेशल इंसान को यहाँ स्टेज पर बुलाकर. मे आई प्लीज कॉल अपॉन मिस्टर अजीत अंधारे, सीओओ वायकॉम 18 स्टूडियोज. सर, कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. सर, वेरी गुड आफ्टरनून. एंड सबसे पहला सवाल सर, इतनी बड़ी फिल्म, आई थिंक 2019 की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, 2019 की सबसे बड़ी फिल्म आपके स्टूडियोज के साथ एसोसिएटेड है, ये इतना मैग्नानिमस एसोसिएशन सर कैसे रहा है, कैसे रही है अब तक की आपकी ये जर्नी? देखिए, कई कारण हैं इसके. सबसे पहला कारण तो एक फिल्म मेकर, एक स्टूडियो के लिए होता है सब्जेक्ट. और ऐसा किरदार और ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको मिले तो आप अपने आप को खुशकिस्मती समझेंगे कि आप उस पर एक फिल्म बना रहे हैं. उसके बाद है ये हमारी जो साझेदारी संजय साहब के साथ हुई. एक लंबे टाइम से इसके बारे में डिस्कशन हुआ और इसमें हमारे जो दोनों के विजन्स थे वो जुड़े जी. और उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि हम लोगों के स्टूडियो के लिए ये 75वीं रिलीज़ है और 10वीं मराठी फिल्म है, तो उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होता. सर, ऑल्सो द फैक्ट दैट इतनी मैग्नानिमस फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट अपने महाराष्ट्र बट फॉर द होल वर्ल्ड, बाला साहेब ठाकरे हैज़ बीन सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. Must have been थोड़ा सा प्रेशर टू मैनेज सच अ ह्यूज फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े पर्सनैलिटी के ऊपर बन रही है फिल्म. सी, मेनी पीपल कॉल अस द बायोपिक फैक्ट्री, यू नो वी हैव डन मेनी बायोपिक्स, भाग मिल्खा, मेरी कॉम, सेवरल ऑफ देम जी. बट दिस इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज इट जस्ट डजंट मेक यू नर्वस, इट एक्चुअली मेक्स यू स्केर्ड दैट वेदर यू बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस टॉल लीडर हु एग्जिस्टेड, दिस टॉल कैरेक्टर एज इवन अ सिनेमेटिक जस्टिस, वेदर यू विल बी एबल टू डू सो. येस, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स अस द एक्साइटमेंट एंड लुक एट द एनर्जी टुडे इन द रूम. आई वॉज टेलिंग संजय दैट वी आर यूज टू सम एक्साइटमेंट, बट वेन एवर वी आर डूइंग दिस फंक्शन विद आर शिव सैनिक्स हियर एंड आर फ्रेंड्स ऑफ शिव सेना, आई थिंक द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट गोज थ्रू टू अनदर लेवल, यू नो, जस्ट टू गेट अ सेट ऑफ यार. क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई विल हैव यू ऑन स्टेज अगेन. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. Dr. Srikant Bhasi, Chairman Founder Carnival Group Go. Dr. Srikant Bhasi, can I please have you on stage, sir? Namaskar. Sir, bahut hi ahem raay hai is par. The whole release that's going to be happening worldwide and in India. What is your take on it? So we are going to release this in a very wide range. So मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे GCC हुआ इंटरनेशनल मार्केट में,
जैसे बहरीन यूएई कतार एंड फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग इन टू सऊदी सो वी आर रिलीजिंग वी आर गेटिंग मोर स्क्रीन दैन द बिगेस्ट मूवी डन इन 2018 सो वी आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट अबाउट 200 स्क्रीन्स इन दोज एरियाज सर पर्सनैलिटी इतने बड़े हैं तो मतलब बनता ही है एंड उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया में वी आर गोइंग टू बी देयर इन सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया एक्सेप्ट चाइना हम सब जगह पे यहाँ पे तकरीबन अबाउट 500 टू 600 स्क्रीन हम ओवरसीज में प्लान कर रहे हैं सर चाइना का टेंशन नहीं सर वो यहीं पे आके देख लेंगे हमारे हमारी पिक्चर बट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर एंड नाउ आई'd लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज एमपी राज्यसभा जर्नलिस्ट फिल्म मेकर एंड ऑफकोर्स द मैन जिन्होंने ये फिल्म लिखी है जो बाला साहेब के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे श्री संजय राउत साहब सर प्लीज यार स्टेज वन थैंक यू अरे डाल्याने स्वागत करा बाबा एक काय तुमचं एनर्जी शिवसैनिक असं नाही म्हणजे आम्हाला बोला सर जेव्हा लास्ट टाइम आपण भेटलो होतं तुम्ही एक सुपर पॉइंट मला सांगितलं होतं की बाळासाहेब जे होते त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीवर खूप प्रेम होता आणि त्यांचं एक लाईफचं मंत्र होतं जिओ और जिने दो नक्कीच ह्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा जो मंत्र दिला जसं आपण एका सिनेमाच्या संदर्भात भेटलो yes, की जिओ और जिने दो कोणाचं नुकसान करून आपल्याला उभं राहायचं नाही तुम्हीही जगा आम्हालाही जगू द्या आणि मग दोघे मिळून आपण पुढे जाऊया ठाकरेच्या संदर्भात जी भूमिका आपण घेतली त्यावेळेला त्या दिवशी आपण होता एक चीट इंडियाने जेव्हा सिनेमा त्यांचा मागे घेतला तेव्हा मी हे सांगितलेलं आहे सर ऑल्सो आप बहुत ही क्लोजली असोसिएट थे उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते उनके बारे में छोटी छोटी इसीलिए ये फिल्म बनी है जी और आपने खुद उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस किया जी सर ऐसा एक मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं हमारे जनता के साथ एक छोटा सा ये सभी मोमेंट फिल्म के पर्दे पे है ये सही राइटर है और सही प्रोड्यूसर है फिल्म के कुछ नहीं बताएंगे मुझे मुझे किसी ने कहा था जी कि आप बाला साहब के ऊपर एक किताब लिखिए जी मैंने कहा कि बाला साहब की जिंदगी एक खुली किताब थी बाला साहब ने अपनी जिंदगी की ऐसी एक भी बात जनता से छुपाई नहीं है बाला साहब को किसी ने कहा था कि आप अपना चरित्र आत्मचरित्र लिखिए बाला साहब ने यही कहा था मैं क्यों लिखूं? सब कुछ जनता को मालूम है फिर भी मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जनरेशन के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए आजकल लोग कम पढ़ते हैं और ज़्यादा देखते हैं तो ये देखने वाले के लिए है वेल आई थिंक हम बहुत ही एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए एंड 25 तारीख को फिल्म जब आएगी यस थैंक यू पूरी दुनिया देखेगी एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक आई सेड द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2019 थैंक यू वेरी मच सर आई नाउ रिक्वेस्ट द एवी टू बी प्लेड ऑफ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी सो आई जस्ट रिक्वेस्ट द एवी टीम टू काइंडली क्यू इन द एवी थैंक यू तुमचा एंथुसियाझम मला असं नको हा प्लीज मी दोन कॉफी घेतली आहे इकडे सर सर थोडा बताएंगे की सर क्या बोल रहे थे देखिए सुनील जोगी ये इस देश के हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं और पूरे विश्व में बड़े बड़े कवि सम्मेलन में उनका हिस्सा रहता है उनको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जब इस फिल्म के गाने के बारे में हम सोच रहे थे गाना फिल्म में होना चाहिए नहीं होना चाहिए किस प्रकार का म्यूजिक होना चाहिए दो राय थी कुछ लोग बोल रहे थे गाना नहीं चाहिए गाना चाहिए तो अचानक सुनील जोगी जी मेरे पास आ गए हमारे मित्र हैं अनिल त्रिवेदी जी उनके दोस्त हैं वो और कहा कि मुझे ये फिल्म के लिए गाना लिखना है तो मैंने कहा भाई गाना तो इस फिल्म में नहीं है फिर भी हम सोचेंगे फिर हमारे श्रीकांत भसीव जी ने कहा गाना होना चाहिए तो बात चलती रही मैंने उनको कुछ एक आइडिया दिया था कि हमको ये वर्ड्स गाने में चाहिए वो आप देखेंगे मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ठाकरे ये नाम में जो ताकत है वो गाने में आनी चाहिए ये ठाकरे सबका बाप है राजनीति में सब जगह ठाकरे बाप है फादर है सब कुछ है ये जो है हमारी भावना ये गाने में आनी चाहिए तो बार बार हम एक साथ बैठते रहे बोलते रहे
और मुझे लगता है उसके बाद सुनील जोगी जी ने एक ऐसा गाना उनके कलम से निकला है, वो इतिहास में अमर हो जाएगा ये गाना, आप देखते रहिए। सर मैं बस इतना ही कहूंगा, क्या बात क्या बात, अरे मजा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, 1 2 3 क्या बात क्या बात। वेल अब ये वो मौका आता है जहां पर मैं स्टेज एक्टर पार एक्सलेंस मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज टैलेंट इधर से स्वागत करा। I'd also like to take this opportunity to invite the very beautiful, the very talented Amrita Rao. Ladies and gentlemen, please a big round of applause. Also inviting on stage Shiva Sena Supremo Shri Uddhav Thackeray ji. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Namaskar sir. Sir, सर उद्धव जी, अब जो गाना हम लॉन्च करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सॉन्ग रहा है, क्योंकि आप थे जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था एंड बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स थे आपके लिए। सर तुम्हारा काय बोलायचं आहे याच्यावर, सर दोन शब्द। सर्वांना जय महाराष्ट्र। मगासपासून तुम्हाला प्रतिसादाची जी एक अपेक्षा आहे तो असा चार भिंतीत नाही मिळणार। कारण बाळासाहेब हे व्यक्तिमत्व चार भिंतीतलं नव्हतं, ते मैदानातलं होतं, त्याच्यामुळे तो जर आवाज ऐकायचा असेल तर मैदानात आलं पाहिजे, मैदानात उतरलं पाहिजे। या गाण्याबद्दलच्या आठवणी सांगायच्या तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपण असं म्हणतो की मोठी व्यक्ती असते आणि मग कोणाला तरी विचारलं जातं की तुमचं काय मत आहे त्यांच्याबद्दल, मग ती सांगते की लहानपणी मी जेव्हा पाहिलं होतं तेव्हाच ओळखलं होतं की हे मोठे झाल्यावरती काहीतरी होणार, बाळाचे पाय मी पाळण्यातच ओळखले होते। तसंच या गाण्यांबद्दल आहे, कारण या गाण्याबद्दल सुरुवातीला संजय तू आला होतास शिवसेना भवनमध्ये, त्यांनी चोरून ऐकवलं होतं गाणं मला मोबाईलवरती, कारण तेव्हा शब्द लिहिले गेले होते, त्याच्यावरती थोडीशी चाल रचली जात होती आणि ते ऐकल्यानंतर मी संजयला म्हटले की संजय हे गाणं इतिहास घडवणार। आता मला उत्सुकता आहे की त्यावेळेला जे एक लहान बाळ मी बघितलं होतं ते आता मोठं झाल्यावरती त्यांनी किती तो आता कर्तृत्वाची शिखरं पार करेल त्याची मला एक उत्सुकता आहे। आणि स्टुडिओमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो होतो रेकॉर्डिंग चाललं होतं, रोहन त्याच्यानंतर आपले नताश, हे सगळेच म्हणजे ते एक भारवलेलं वातावरण होतं। थोडंसं मी म्हणजे मला नेहमी भान ठेवावं लागतं, नाहीतर मी सुद्धा सगळ्यांबरोबर तेव्हाही नाचलो असतो, कारण स्वतः गायक सुद्धा नताश आप भी एन्जॉय कर रहे थे, आप गाणं नाही गा रहे थे आप एन्जॉय कर रहे थे। आणि मला असं वाटतं की ज्या वेळेला सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात, जी गोष्ट आपण करू इच्छित असतो ती नुसती शब्द नसतात, नुसती चाल नसते, नुसतं ते एक गायलेलं गाणं नसतं, ते सगळे एकत्रित जेव्हा होतं सूर ताल लय शब्द, तेव्हा त्यातनं पाहिजे असलेल्या भावना ह्या व्यक्त होतात। आणि मला असं वाटतं की त्या गाण्यामध्ये पुरेपूर झालेले आहेत। सर्वांप्रमाणे मी सुद्धा उत्सुक आहे ते गाणं ऐकायला। हम बहुत अभी उत्सुक है इस गाने के लॉन्च के लिए, लेकिन जस्ट हम एक एक सवाल आपसे करेंगे। नमाज भाई बहुत बड़ा रोल है ये, मतलब जब हमने ट्रेलर देखा तो बोलते ना कि गूजबम्स मोमेंट हो जाता है कि भाई ये आप हर किरदार को मतलब निगल जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से आप कर लेते हैं रोल को। प्रेशर था इस रोल के पहले? जी हाँ, बहुत बड़ा प्रेशर था और आई थिंक एक महीने तक तो मैं अपने आप में ही नहीं था ऐसा कि मैं बहुत ही नर्वसनेस बहुत थी कि मैं कैसे कर पाऊँ इतनी बड़ी
पर्सनैलिटी है और किस तरीके से होगा क्या होगा, बट जितनी भी मुश्किलें थी वो धीरे धीरे आसान होती चली गई बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर, जो हमारे क्योंकि इतनी डिटेल थी उनके पास, संजय सर के पास, तो काफ़ी डिस्कशंस हुए उसके बाद, काफ़ी मैंने देखा उनको, इतना देखा मैंने कि शायद मैंने अपने अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं देखा होगा इतना तो धीरे धीरे होता चला गया, कोशिश की है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सर कोशिश मतलब आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है, सो आई थिंक एक बार जोर से ताड़े होनी चाहिए हमारे नवाज भाई के लिए। अमिताभ वेलकम बैक एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस फिल्म में देख के। आपका किरदार, आपका रोल जो है, ये मैं आपको सबसे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आपका रोल क्या है, आप क्या है, मैं बस इतना कहूंगा कि हाउ इज योर जर्नी बीन थ्रू दिस फिल्म, आपके लिए कैसे रही इस फिल्म में आपका पूरा एक्सपीरियंस? श्योर ग्लेन, सगळ्यांना नमस्कार। मला आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि इस फिल्म के जरिए इतने बड़े शख्स, इतने इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला, एक तरह से उनकी ज़िंदगी जीने का मौका मिला, और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी था क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसे किरदार को निभा रही हूँ इस फिल्म में जो एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी पे है, कोई फिक्टिशियस रोल नहीं है, और मैं कुछ समय के बाद पर्दे पर आ रही हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को ये ना लगे कि अरे ये तो अमृता राव है यही मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मीना ताई जी जो है उनके बारे में कोई भी ना कोई वीडियो है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई थिंक संजय राउत जी ने बहुत मदद की वहाँ पे, एंड द होल टीम वॉज वेरी काइंड, दे गेव मी एज मच ऑफ रेफरेंस एज दे कुड, सो आई रियली होप आई, बट वी आर वेरी हैप्पी कि यू नो आप इस किरदार में हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड द फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू इट्स नाउ टाइम कि हम गाने को लॉन्च करें, प्लीज तालियों के साथ इस गाने को हम लॉन्च करेंगे, द सॉन्ग IRA, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज थोड़ी तालियां होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होनी चाहिए, सीटियां होनी चाहिए, पहला गाना आज का हम यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। सर हैव अ सीट प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। मतलब जिन्होंने इस गाने में इतनी जान डाली है, इतना एंथुसियाज्म कि सर आपने सही कहा था, वो गाना नहीं गा रहे थे, ऐसा लग रहा था वो डांस कर रहे थे गाते गाते, ये विजुलाइज हो चुका है कि वो ऐसा ही गाएंगे, एंड मैं प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज द वेरी टैलेंटेड नकाश अजीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। नकाश भाई थैंक यू सो मच। And now, I'd like to invite on stage the composers of this film, Rohan and Rohan. It's like Karthik calling Karthik. So, Rohan and Rohan, please, stage varti ya tumhi. Please give Rohan and Rohan a big round of applause. Yaar, talent inanta swagat kara tumhi. Namaskar. Nakash bhai. फील में गाया है आपने, मतलब कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है, मतलब मतलब इतनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि लिटरली जैसे संजय सर ने कहा कि आप मतलब वहां पे उद्धव जी ने कहा वो डांस, ऐसा लग रहा कि आप डांस कर रहे हैं गाते वक्त, इट्स सो मच ऑफ पावर इन दिस सॉन्ग। देखो यार मैं बहुत ही साधारण लड़का हूँ जो मराड़ में पला बड़ा है, और मैंने बचपन में कभी आई थिंक ऐसी कोई चीज़ें सोचता नहीं है कि यू नो बाड़ा साहेब पे फिल्म बनेगी, और उस फिल्म में नवाजुद्दीन साहब जैसे मतलब फनकार होंगे, अमृता मैम जैसे होंगे, और संजय राउत साहब, उद्धव जी, इन लोग सबका सपोर्ट होगा, और उसमें मुझे गाने का मौका मिलेगा, ऐसा कोई सोचता कहाँ है यार, कम ऑन, दिस इज़ लाइक अनरियल। तो आई थिंक मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, और रोहन रोहन का प्यार है, तो सब कुछ बढ़िया है, तो फिर तो आपको
You have to live it, man. You have to live the but song. Nawaz, so, brilliant job. I think जो आपने justice किया है गाने के साथ, शायद कोई कर नवाज उधर है, नकाश इधर है. आई सॉरी, यही कंफ्यूज नवाज भाई, ये NN का ना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे आज. बट थैंक यू सो मच, इट वाज एब्सोल्युटली ऑसम. रोहन, सवाल आपसे, जब आपको ये गाना मिलता है, जब आपको इतनी बड़ी फिल्म मिलती है टू कंपोज एंड टू क्रिएट म्यूजिक, फर्स्ट थॉट्स आपके दिमाग में जब आपको जस्टिस करना पड़ता है ऐसी फिल्म के लिए, तो क्या था? उसकी स्टोरी बहुत पहले से शुरू होती है. आई मीन लास्ट ईयर हम सब ने ठाकरे का ट्रेलर टीजर देखा था. तब चार पांच दिन के लिए और कोई डिस्कशन ही नहीं था. मैं तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में बोलो या पूरी मूवी इंडस्ट्री में, तब मैं और रोहन बोलते थे ओ माय गॉड क्या टीजर है. आई मीन हमको अगर इस फिल्म का कभी एक एक ड्रीम है, बिकॉज बाड़ा साहेब दैवत सारखे आहेत, तर कोणतंही गाणं नाही आहे, ती आरती आहे त्यांच्यासाठी. तर आम्ही जी काय गाणी बनवली आहेत ती त्यांची आरती म्हणू शकतो आपण. तर आणि मग ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली थ्रू अदिती, थ्रू संजय सर, पूर्वशी विधिता, उद्धवजी. तर आय मीन आमच्यासाठी इट वॉज ड्यू एक वर्शिप टू बाळासाहेब. आय मीन दिस इज व्हेरी स्मॉल, त्यांनी जे काय केलं आहे त्याच्यासाठी इट इज लाईक नथिंग म्हणू शकतो. व्हेरी ब्युटिफुली पुट यार त्यांचा, प्लीज, आय थिंक दॅट डिझर्व्ह अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज. व्हेरी ब्युटिफुली पुट. नकाश भाई, छोटासा एक वर्जन हो जाय, इफ यू डोंट माइंड. एब्सोल्युटली. क्या ना, लाइव में मजा ही कुछ और होता है. थोड़ा सा हो जाए. इसके लिए अलग माइक है क्या, ऐसा कुछ गाने के लिए? नहीं ना. हेलो, ऑलराइट गाइस, दिस इज हाउ वी साउंड लाइव विदाउट मिक्सिंग. आया आया देखो आया मसीहा, सबके दिल पे छाया है, धरती अंबर सारा समंदर दिखता उसका साया है. फनकार है वो, दमदार है वो, सबके दिलों में अंगार है वो, रहता है सारे दमाने में धाक रे. आया रे आया रे आया रे सबका बाप रे. कहते हैं कहते हैं कहते हैं उसको ठाकरे. आया रे आया रे आया रे सबका बाप रे. कहते हैं कहते हैं कहते हैं उसको ठाकरे. थैंक यू सो मच आकाश भाई, टोटली स्लेटेड. यार लाइव गाया आपके लिए, थोड़ा तो मतलब अपने वो बनता है यार, इनको भी एनकरेज करना. थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रोन, वी हैव अ वेरी स्पेशल सरप्राइज तुमच्याकडून. एक स्पेशल सरप्राइज आता आहे, एक स्पेशल परफॉर्मन्स, एक स्पेशल गाण्याची. बट बिफोर दॅट आय लाईक टू ऑल्सो इन्व्हाइट ऑन स्टेज मिस्टर मनोज यादव. सर प्लीज स्टेजवरती या. मनोज यादव इज हिअर इन द येस, इज द प्लीज प्लीज सर, कॅन वी हॅव यू ऑन स्टेज प्लीज. त्यांना त्यांचं स्वागत आळ्याने करा. थँक यू सर. बिफोर वी स्पीक अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग, थोड़ा सा आप हमारे अगले गाने के बारे में बताएंगे. जैसा रोहन ने कहा, बाळासाहेब ठाकरे या फिल्म बरोबर जोडलं जाणं ह्याला भाग्य लागतं मला वाटतं. आम्हाला ते भाग्य मिळालं आहे, ह्याच्यासाठी सगळ्यांचे खूप 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 आभार पहिलं तर. आणि ह्या गाण्यासाठी पण, किंवा प्रत्येक गाण्यासाठी, या फिल्मच्यासाठी ती एक भावना आहे. आणि ते आतून जर आलं तरच ते चांगलं होईल असं आम्हाला दोघांनाही वाटत होतं. तर त्यामुळे मला वाटतं की ते खूप आतून आम्ही मनापासून केलेली गाणी आहेत, आणि त्यामुळे आज हा रिझल्ट जे काय आपण बघताय आणि त्याचा फील जे काय मिळतो आपल्याला, तो त्याच्यामुळे. और जैसे हम लोग बोल रहे सेकंड गाने के बारे में, उसमें वी हैव ट्राइड. जैसा बहुत बार हम लोग बोलते कि एक मासी गाना है, एक क्लासिक गाना ऐसा एक फील होता है. सो ये गाना है, इसमें बिकॉज ये गाना हम लोग का बहुत मासी और ढोल ताशा और एक सेलिब्रेशन से भरा हुआ गाना था. सेकंड गाने में हमने सेलिब्रेशन की रखने की कोशिश की है, बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो वहाँ पर सिम्फनी रिकॉर्ड की है हम लोग ने फर्स्ट टाइम. इट्स अ 80 पीस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन मैसेडोनिया. सो और सुखविंदर जी ने गाया है, मनोज जी ने उसको लिखा है. बोल, थैंक यू वेरी मच. सो एक छोटी सी झलकी हो जाए उस गाने की प्लीज. Can we just have we can do it with the music, but just yes.
Can we please cue the track? Gentlemen, can I please request you to just take your seats? Thank you very much. Please give them a big round of applause. Nagash, thank you. Thank you. Thank you, sir. Can we cue track, please? Great performance. Manoj ji, kya bahut hi sundar bol likhe aapne. Very, very well written. Thank you so much for your time and thank you so much for giving us such good music. Itna acha music aapne ne diya hai. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. Thank you. Once more. Please, can we please cue the track once again, please? Can we please have the track once again? Thank you. Rohan, I think that was fabulous. The puri music team jo yahan par hai, I think they're doing a fabulous job. Ek film aur bhi achhi ho jati hai jab aap log aisa music dete hain jo itna feel hota hai usme. So thank you very much, the lyricists, the singers, the composers. Music ki wajah se jaan hai. And thank you so much. Thank you very much. Ab main stage par bulana chahunga Sanjay Rao ji ko. Sir, kripya stage par ya. Hamare agle gaane ke bare mein एक छोटी सी झलकी आपको दिखाएंगे हम और उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच संजय राव जी. प्लीज ताने ने देंसे स्वागत करा प्लीज. गाने का झलकी मैं नहीं दिखाऊंगा. बोलिए सर, जो अगला गाना है इसके बारे में थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करिए हमारी जनता को. और कौन सा गाना है मुझे बताइए. बहुत गाना है. मराठी
आपण दोन हिंदी गाणी पाहिली, आपने दो हिंदी गाना देखा है, सुना है, रिस्पॉन्स भी देखा है, तो मराठी फिल्म भी आ रही है, तो हमको लगा कि एक मराठी गाना ऐसा होना चाहिए जिसमें बाला साहब की जो स्टाइल थी, जो औरा था, वो उस मराठी गाने भी होना चाहिए। तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ और ठाकरे ठाकरे जो आपने देखा आया रे सबका बापरे, तो उसी लेवल का ये मराठी गाना सबका बापरे बनकर अब पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगा, साहेब आपले साहेब आपले। रोहन रोहन ने तर जबरदस्त संगीत दिला है, मंदार चोळकर ह्याने त्या गाण्याचे बोल लिहिलेले आहेत, अवधूत गुप्ते येणार होते अजून पोचले नाहीत, ते बाहेरून निघाले आहेत, आणि अवधूत गुप्तेने त्या गाण्यामध्ये जी एनर्जी टाकलेली आहे ना, जबरदस्त, आपण खरोखर पहा। ॲब्सोल्युटली, आय रिक्वेस्ट द टीम टू प्लीज क्यू द ट्रॅक ताकि हम इस गाने का आनंद उठा पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लॉन्च करने के लिए और गानों के बारे में बात करने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा जो यंग डायनामिक है। मैं इनको इतना ही कहूंगा, ये मेरे कॉलेज के सीनियर भी रह चुके हैं, युवासेना के चीफ एंड वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बैक मुंबई नाइट लाइफ। आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फ्रॉम ऑल द यूथ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदित्य ठाकरे। Thank you. It's a pleasure, it's an honor to have you, Andy. Utsa asa jeto. Sir, tenna pan bolu diya na sir. आदित्य, इतनी बड़ी फिल्म बन रही है एंड आपके ग्रैंडफादर को म्यूजिक से बहुत लगाव था, उन्होंने यूथ को इतना एम्पावर किया, हर एक फ्रेम में जब हम देखते हैं, गाना हो या फिर ट्रेलर हो, हमें ऐसा लगता है कि ही वॉज ऑलवेज फॉर द यूथ एंड म्यूजिक के शौकीन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नक्कीच, सगळ्यात पहिलं म्हणजे खरोखर संजय काका अभिनंदन, एवढं चांगली अशी फिल्म बनते आणि रोहन रोहन नॉर्मली रो रो बोट असते पण ही मला वाटतं स्पीड बोट आहे। सगळीच गाणी ऐकली आणि खरोखर मस्त वाटतं, एक नवीन एनर्जी आहे त्याच्यात। 2019 हा नक्कीच ठाकरेचा आहे। ग्लेन, तुम्ही आत्ता विचारत होतात की म्युझिक आणि आजा, खरं म्हणजे पहिल्यापासून आपल्याला माहिती असेल, पहिलं मला वाटतं पणजोबांनी त्याने एक म्युझिक वाजवण्याचं हे दिलेलं आणि पणजोबांना वाटायचं की आजा म्युझिकमध्ये यावं, पण त्यावेळी त्यांना काही वाजवता आलं नाही, नंतर जे अन्याय करायचे त्यांची वाजवायचे ते, तर ते एक इन्स्ट्रुमेंट झालं। पण मला आठवतं की कुठचंही गाणं असो, कुठचंही जॉनर असो, मग राईट फ्रॉम मायकल जॅक्सन टू अन ॲल्बम आय हॅड प्रोड्यूस अँड रिटन लॉंग बॅक, आय रिमेंबर वन्स आय हॅड दिस थिंग, आय मीन वेन आय वॉज अ किड आय युज टू डान्स बॅक देन वेअरिंग मायकल जॅक्सन क्लोथ्स अँड थिंग्स लाईक दॅट, अँड ही युज टू डिस्कस दोज सॉंग्स विथ मी अँड बेसिकली समटाईम्स हिअर दोज सॉंग्स विथ मी बिकॉज द सॉंग वॉज एनी वे प्लेइंग ऑन फुल व्हॉल्यूम इन अ हाऊस। आणि नंतर जेव्हा ॲल्बम झाला तेव्हा पण त्यांनी प्रत्येक गाणं ऐकलं, त्याच्यातले काही चेंजेस सांगितले, काही म्युझिकमधले चेंजेस असतील, काही गाण्यातले चेंजेस असतील, स्पष्ट शब्द ऐकू नयेत वगैरे, तर त्यांना खूप आवडतं होतीच म्युझिकची। बहुत ही क्लोजली असोसिएटेड थे उनसे अँड ऐसी कोई बात जो आपको अभी भी आपके जहन में है उनके बारे में जो आपको बहुत याद आती है, कुछ ऐसी कोई बात पर्टिकुलर? आई थिंक टेकिंग क्यू फ्रॉम संजय जी, आप स्क्रीन पे ही देखेंगे। परफेक्ट, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट बिफोर मूविंग अहेड, आप एक सरप्राइज ट्रैक लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पर, उसके बारे में करेंगे बात, लेकिन अवधूत जी इज हियर, प्लीज सेंसर टाटा ने स्वागत करा स्टेज पर, अवधूत गुप्ते इज हियर विद अस। नमस्कार सर, गिव मी द माइक प्लीज। सर क्या एनर्जी डाली है आपने ट्रैक में, मतलब इतना भारी भरकम ट्रैक नहीं, जिस पर्सनालिटी की फिल्म है उसके लिए मेरे जगह पे अगर कोई चीटी भी गाती तो इतनी ही आवाज आती थी। क्या बात बोलिए सर, सर एक फिल्म, ऐसी बड़ी फिल्म के साथ इन्वॉल्व होना, अपने लाइफ में टू बी एसोसिएटेड ऐसी फिल्म के साथ, आपके लिए कैसा था, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस?
प्रश्नाचं उत्तर देण्याआधी सर्वांना मला मी आत्ता जस्ट लेट आलो एअरपोर्टवरनं. गाणं कसं वाटलं सगळ्यांना? थँक्यू थँक्यू. नाही, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बाला साहब के लिए जब शिवसेना गीत किया था उसके साथ काफ़ी सारे इलेक्शंस के गाने किए थे, तो आई ऑलवेज फील कि जब भी शिवसेना ये नाम आता है, जब भी बाला साहेब ठाकरे ये नाम आता है, तो पूरा एक माहौल में एक करिश्मा फैल जाता है, जो कि करिश्मा मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं गाना गाने के लिए वाई आर एफ में पहुँचा. रोहन रोहन ने ट्रैक पहले ही भेज दिया था, मैंने लव्स पढ़ लिए थे, लेकिन जब मैं अंदर गया और माइक के सामने खड़ा रहा तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि आजू बाजू कहीं बाला साहब है और वो मुझे सुन रहे हैं. तो मैंने एक जैसे कोणी भक्त आपल्या देवासाठी एखादं फूल किंवा चरणी त्याच्या वाहतो, त्या भावनेने मी त्यावेळेला गायलो आणि मला असं वाटतं की त्यामुळे जी काही एनर्जी आली आहे ती आज तुम्ही गाण्यामध्ये ऐकताय. सर, वही एनर्जी हमें उस गाने में देखी. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने इतना पावरफुल ट्रैक दिया 2019. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. रिक्वेस्ट रिपीट से किसी. अरे थांब सर, ट्रैक लॉन्च करतानंतर एक मिनट प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा, द नेक्स्ट ट्रैक जो आप लॉन्च करने वाले, एक स्पेशल थीम सॉन्ग है एंड ये एक सरप्राइज. जी सर, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आई थिंक यू शुड गो हेड एंड अनवील इट. लेट्स टेक द क्यू देन डायरेक्टली ऑन टू दैट. एब्सोल्युटली. थैंक यू. शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी को सर प्लीज आइए. I'd like to invite युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे टू प्लीज कम ऑन स्टेज. एक्टर पार एक्सलेंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द वेरी टैलेंटेड अमृता राव. I'd like to also invite on stage MP Rajyasabha producer journalist श्री संजय राउत साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज. Mr. अजीत अंधारे सर, कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. डॉक्टर श्रीकांत भसी, अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, मिसेस वर्षा राउत, मिस पूर्वशी राउत, मिस विदिता राउत, बिजनेस हेड मराठी एंटरटेनमेंट वायकॉम 18 निखिल साने आणि म्युझिक कंपोजर्स रोहन रोहन टू प्लीज कम ऑन स्टेज. ऑल्सो कॅन आय प्लीज हॅव ऑन स्टेज मिस्टर अवधूत गुप्ते सर, कॅन आय प्लीज हॅव यू ऑन स्टेज. अँड ऑल्सो द मॅन, द जबरा फॅन, कॅन यू प्लीज हॅव नकाश भाई ऑन स्टेज. थँक्यू. Lyricist Mr. Manoj Yadav sir, can we please have you on stage? And now the moment we've all been waiting for. Aap yana please taalyane या मोमेंट जी, लेट्स वेलकम दिस मोमेंट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. जब हम अनवील करने वाले हैं, अरे जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आ गया और इतना कम जोश यार. अरे अरे स्पेशल थैंक यू टू जी म्यूजिक कंपनी एंड द एंटायर टीम हु हैज पुट टुगेदर सच एन अमेजिंग म्यूजिक एल्बम.
अरे फोटो ऑप होणार नंतर, तुम्ही थोडस वेट करा, फोटो ऑप करणार आम्ही. हॅलो हम एक मीडिया क्यू एन ए अब करने वाले हैं, उसके बाद फिर से एक फोटो ऑप होगा. तर एक फोटो घेऊया आपण. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. या सर, संजय सर मी रिक्वेस्ट करणार, तुम्ही अमृता मॅम, संजय सर, नवाज सर, आप रुके मीडिया क्वेश्चन आन्सर्स के लिए. सर मीडिया सवाल पूछेंगे सर. पूछेंगे ऐसा लगता है आपको? आदित्य विल रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट फॉर द मीडिया क्यू एंड ए. बताइए आदित्य, कुछ पूछना चाहते हैं तो. डॉक्टर श्रीकांत एंड मिस्टर अंधारे, could I please have you all on stage for the media Q&A? Thank you. मीडिया क्वेश्चन आंसर्स सेशन के लिए हम अब आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन पूछने से पहले आपका नाम लें और अपने मीडिया हाउस के बारे में थोड़ा बताएं, यानी कि आप कौन से मीडिया हाउस से हैं, और फिर सवाल पूछें. सवाल प्लीज फिल्म के पर्टेनिंग रखें, हम थोड़ा सा भटक ना जाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है. थैंक यू वेरी मच. हॅलो, मोबाईल खाली ठेवा प्लीज, कृपया रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला सर्वांना. हॅलो नमस्कार, गाणी खूप चांगली आहेत, आवडली गाणी. प्रश्न असा आहे की चित्रपट दिग्दर्शक अभिजित पानसे का आले, दिसत नाहीत कुठे इकडे म्हणून. अभिजित पानसे हे डबिंग मध्ये बिझी आहेत, चित्रपट उद्या सेन्सॉरला जायचा आहे मराठीसाठी, आणि प्रत्येक टीम, डायरेक्टर टीम ही तिकडे कामात आहे. हा म्युझिक लॉनचा कार्यक्रम, रोहन म्युझिक डायरेक्टर इकडे आहेत ना. सिनेमाच्या डबिंगचा प्रश्न आहे तर त्याबाबत इकडे सर, महाराष्ट्र टाइम्स. हा बोला. सिनेमाच्या डबिंगचा प्रश्न आता, डबिंगचं काम चालू आहे, तर त्यावर जरा सविस्तर सांगू शकाल मराठी सिनेमाबाबत. हिंदी सिनेमा सेन्सॉरमधून बाहेर पडलेला आहे, हे मी तुम्हाला आता काळजी. हिंदी सिनेमा सेन्सॉरच्या कैचीत वगैरे अजिबात सापडला नाही. जिथे कैची होती तिकडे आम्ही पण थोडी धार लावली. आणि आता मराठी सिनेमा, मराठी जो आहे ते परवा सेन्सॉरकडे जाईल, त्यासाठी काही बदल मराठी आणि हिंदीमध्ये नक्कीच आहेत सिनेमामध्ये, तर त्यासाठी डायरेक्टर टीम पूर्ण कामाला लागलेली आहे आमची. मला असं वाटतं की हे पुरेसं आहे आपल्याला आज एवढं सांगणं की हिंदी कैचीतून सुटला. संजय सर नमस्कार. संजय सर, संजयजी, मैं सुहेल फिदाई, बॉलीवुड हलचल से. जिस तरह की फिल्म बहुत ही पावरफुल लग रही है, म्यूजिक भी उतना ही पावरफुल है, सबको बधाई हो इसके लिए. थैंक यू. फिल्म के टाइटल को लेकर बात करना चाह रहे थे कि पहले से इट वॉज डिसाइडेड कि फिल्म का नाम सिर्फ ठाकरे रहेगा या फिर बाला साहेब ठाकरे? हाउ डिड यू वर्क ऑन ये टाइटल पे, किस तरह से आया? नहीं, ठाकरे में वजन है, ताकत है. हाँ, वजन है. ठाकरे करेक्ट. इस देश में ऐसा कौन सा भी नाम नहीं है ब्लास्टिंग जो ताकत ठाकरे में है. तो ठाकरे आया रे सबका बाप रे ठाकरे, या आप किसी और नाम के साथ ये शब्द जोड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ ठाकरे. संजय सर, दूसरा सवाल मेरा इसी पर है एक्चुअली, के जैसे आपने कहा कि ठाकरे जी की लाइफ एक खुली किताब थी,
बहुत से लोगों को इस तरह से लगता था कि थोड़े एंटी मुस्लिम थे वो एक्चुअली ऐसे ऐसे किसी बाला साहब कभी एंटी मुस्लिम नहीं थे। लोगों का एक थोड़ा जहन इसमें इस तरह से था बट आपने फिल्म में डेफिनेटली वो दिखाया है कि बहुत से क्लोज लोग जो थे वहाँ मुस्लिम भी ठाकरे साहब के साथ थे। एक सीन है जहाँ पर मतलब नमाज पढ़ते हुए दिखाया है तो यू नो हाउ इज दैट थिंग ऑल्सो लाइक इट्स देखिए बाला साहब एक बहुत बड़े देशभक्त थे और ऐसे देशभक्त थे कि देशभक्ति के सामने बाला साहब ने कभी जात धर्म को आने नहीं दिया। सेक्युलर करेक्ट कभी नहीं आने दिया। लोगों ने हमको पूछा कि आपने नवाज भाई को बाला साहब ठाकरे बनाया जी, वो बड़ा एग्जांपल। ये बाला साहब ठाकरे के आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा सैल्यूट है कि नवाज भाई ये रोल करेक्ट करेक्ट उसमें सब कुछ है। और नकाश जी ने ठाकरे का सबसे बड़ा सॉन्ग गाया है करेक्ट। तो बाला साहब सभी जाति और धर्म से ऊपर रहे, नेशनलिस्ट रहे हमेशा और सबको साथ लेकर देश को आगे जाने का काम अगर किसने देश में किया है वो बाला साहब ठाकरे जी ने किया है। मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, जिस तरह के अभी यही वीक में फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई, अभी फिल्म आ रही ठाकरे, तो हम कह सकते हैं कि पार्टी की कैंपेनिंग भी फिल्म द्वारा हो रही है। पार्टी की कैंपेन मुझे लगता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो फिल्म है मुझे लगता है एक फिल्म बनी है संजय बारू के किताब पर और बाला साहब के ऊपर तो ऐसी कोई किताब ना लिखी है ना लिखी जाएगी। ये कोई प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है। जैसे गांधी फिल्म आई थी नेल्सन मंडेला बाला साहब ठाकरे और इस वर्ल्ड में और देश में है कौन सर? यस सर, संजय सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट मेकिंग सच ए ग्रेट फिल्म फॉर ग्रेट पर्सनैलिटी। सर आई वुड लाइक टू नो स्मॉल थिंग वन थिंग फ्रॉम यू, सी हाउ यू गॉट दिस आइडिया टू राइट दिस मूवी स्टोरी एंड हाउ लॉन्ग यू हैव टेकन टू राइट दिस स्टोरी सर? देखिए सवाल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर फिल्म बनाने की आइडिया आने की जरूरत नहीं है। नो द थिंग इज दैट सिंस यू आर राइटिंग दिस सिंस यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया। सी देयर आर सो मेनी बिग पर्सनालिटीज हैव कम एंड गॉन बट अप टिल नाउ फॉर एवरीबॉडी इट इज नॉट रिटन। द ठाकरे साहब वॉज द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दैट इज वाई यू गॉट दिस आइडिया when you are writing it. So how many days or how many months you have taken to complete this story? 15 din lage mujhe. Oh I see. I would like that sab pura construct kar dekhe maine meri puri zindagi unke sath gayi hai to mujhe lagta hai ki jo bhi main unse liya hai mere par usne jo mujhe banaya hai bala sahab ne to mujhe lagta hai ki mujhe zyada sochna pada ये लिखने के लिए। हेलो सर, संजय सर, सर 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 एक मिनट सर बराबर प्रश्न विचार की संख्या एक एक सवाल यहाँ से आ रहे हैं। फैंटास्टिक म्यूजिक तो अमेजिंग। मैंने पहले नहीं सुना था उस वक्त पे, जब पहला जो ट्रैक था वो जब हम शूट कर रहे थे तब सुना था वो, आज प्रॉपर पूरी तरीके से सुना है मैंने तो इट्स अमेजिंग। संजय जी क्लबिंग वाला वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, वो बहुत ही मेरे लिए बम ऐसे आके आया। सुनने के बाद बहुत जोश आ गया, अभी जब बाहर जाके दिखाता हूँ। संजय जी इकड़े सर तिकड़े हाँ इकड़े किती थिएटर्स मध्ये पॅन इंडिया हा चित्रपट रिलीज होतोय? मगाशीच मला आमचे अजित अंधारे यांनी सांगितलं की या क्षणी आत्ता तरी आम्ही जवळजवळ 1200-1300 स्क्रीन्स मध्ये हा सिनेमा लागतोय। त्यानंतर श्रीकांत बसुजीने कहा है की इंटरनॅशनली 400-500 इंटरनॅशनली, आणि मला वाटतं ही फार मोठी गोष्ट आहे की ठाकरे सिनेमासाठी देशात आणि जगाच्या नकाशावर इतके स्क्रीन्सवरती हा आपण सिनेमा दाखवतोय आणि अजून वाढणार आहेत, ही आजची सुरुवात आहे अजून वाढतील। सर नमस्कार सर, इकडे समोर सर,
विराज मुळे बोलतोय सर, न्यूज 18 लोकमत मधनं. बोला. आपण वारंवार तुम्हाला प्रश्न विचारला जात होता, पण आता जे अवधूत गुप्तेंचं जे गाणं लॉन्च झालं त्याच्यामध्ये आम्हाला जे दोन ठिकाणी बाळासाहेबांचा आवाज जो ऐकू येतोय, तो त्यांचा जो ओरिजिनल आवाज होता तो आता ऐकू यायला लागलाय. तुम्ही दरवेळेस तो प्रश्न टाळताय, पण सिनेमात जो मराठी सिनेमा आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला जो लोकांना चेंज एक्सपेक्टेड होता चेतन शशिथल यांच्या आवाजातला, तो ऐकायला मिळणार आहे का? एक लक्षात घ्या की हे सिनेमाचा एक छोटासा भाग आहे. सिनेमाचं मराठी सिनेमाचं जे डबिंग होतं ते खरं म्हणजे आम्ही नवाज भाईंकडूनच करून घेत होतो आणि त्यांचं ते झालेलं सुद्धा आहे. जर हिंदीमध्ये आपण पाहिलं ते आपल्याला कळेल. याशिवाय इतर तीन लोकांकडून आम्ही ते डबिंग करून घेतो आहोत. तीन, त्यातलं एक नक्की चेतन शशितल आहे, सचिन खेडेकर आपण काही लोकांनी सांगितलं, अजून काही दोन प्रमुख लोक आहेत. त्यातलं आता फायनल सेन्सॉरला जाण्यापूर्वी आम्ही उद्या निर्णय घेतो आहे, पण आपल्या मनातल्या ज्या ज्या शंका आहेत त्या उद्या संध्याकाळपर्यंत दूर होतील. सर, मी नंदकुमार पाटील. बोला. ऑलरेडी तुमचं एक काय बोलतात शिवसेनेचा प्रचार किंवा ऊर्जा वाढवणारं गाणं शिवसेना शिवसेना अस्तित्वात आहे. असं असताना आता जे इलेक्शन येणार आहे त्याच्यामध्ये हे गाणं जे नव्याने, या गाण्याचा तुम्ही इलेक्शनशी संबंध जोडू नका. हा एक चित्रपट आहे ज्याला तुम्ही बायोपिक म्हणता. हा बाळासाहेबांचा चरित्रपट आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे हे या देशातलं असं व्यक्तिमत्व होतं, हे राजकारणापलीकडलं सुद्धा व्यक्तिमत्व होतं हे तुम्ही समजून घ्या. अर्थात बाळासाहेब आणि शिवसेना हे वेगळे नाहीत. माझा प्रश्न आदित्यजींसाठी आहे. मनाली फ्रॉम न्यूज 18 लोकमत. आदित्यजी, सिनेमाचं ट्रेलर आलं, आज म्युझिक लॉन्च झालं, तर हे सगळे व्हिडिओ बघताना बाळासाहेब म्हणजे तुमच्यासाठी तुमचे आज्या नक्कीच प्रत्येक क्षण आज डोळ्यासमोरून जात असतील, हे सगळं पाहताना गेले असतील. नक्कीच. आणि खरोखर मी नवाजींचं खरोखर अभिनंदन करतो, कारण जर आजा आणि मग बाळासाहेब असं जर बघितलं आपण तर मला वाटत नाही देशात एवढा मोठा सुपरस्टार कुठचाही असू शकतो. म्हणजे नुसतं आजोबा म्हणून नाही, पण एक जरी फोटोग्राफर म्हणून बघितलं किंवा फिल्म मेकर म्हणून बघितलं आणि तुम्ही इथे त्यांचा जर फोटो किंवा जे आज एक स्टायलाइज व्हर्जन केलेलं आहे इथे, त्यांचं वागणं जसं असेल, त्यांचे डोळ्यातले भाव, त्यांचे केस, त्यांचं नाक, मला वाटत नाही एवढे परफेक्ट पर्सनॅलिटी कॅमेरावर कुठची असू शकते जेवढ्या ग्रेसनी ते चालायचे किंवा वागायचे. आणि मला वाटतं जवळजवळ नवाजींनी तेवढं आणलेलं आहे त्याच्यात, असं वाटत होतं अरे आज फील आहे. तर खरोखर त्यांचं अभिनंदन करतो मी. आणि अर्थात खूप सारे असे मोमेंट्स होते जिथे इमोशनल झालो बघून आठवण येऊन, मला वाटतं की हा सिनेमा खरंच लोकांना ती आठवण आणून देईल परत एकदा. आदित्य सर, प्रश्न असा आहे की तुम्ही स्वतः कवी मनाचे आहात आणि तुम्ही अनेक अल्बम तुमचे आलेले आहेत. खुद्द अमिताभ बच्चन तुमच्या कॅसेट प्रकाशन सोहळ्याला आले होते आणि बाळासाहेबसुद्धा त्या सोहळ्याला होते. हे गाणं ज्यावेळी लिहिलं गेलं त्यावेळी त्याचा परिणाम तुमच्यावर कितपत झाला? आता कवी मन सगळं प्रचार सभेत चाललेलं आहे, पण खरोखर जेव्हा मी पहिल्यांदा गाणं ऐकलं, मी आणि उद्धवजी आम्ही स्टुडिओला गेलो ऐकायला, मला वाटतं यशराज स्टुडिओजला पण जे गाणं ऐकत होतो, मनोजजी इथे आलेले आहेत, मगाशी ते स्टेजवर येऊन गेले, परत मला वाटतं त्यांचं अभिनंदन करणं गरजेचं, कारण एवढं इम्पॅक्टफुल गाणं आणि त्याच्यात सगळंच त्यांचं कॅरेक्टर आणणं, इथे बसलेले ते, त्यांचं सर्वांनी मला वाटतं एकदा टाळे वाजून अभिनंदन केलं पाहिजे. खरंच खूप चांगलं गाणं लिहिलं. हॅलो आदित्य, मी दिनेश मोरे इथे. आदित्य, हा हा चित्रपट बाळासाहेबांच्या आयुष्यावर आहे आणि बाळासाहेबांनी ज्या पक्षाला उभं केलं त्या पक्षाला पटक देण्याची भाषा महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येऊन एका नेत्याने केली आहे. ठाकरे कुटुंबियांकडून अजून यावर प्रतिक्रिया आलेली नाही, तुम्ही काय सांगाल ज्या नेत्याने सांगितलं की हम शिवसेना को पटक देंगे? मला वाटतं पहिलं आपण 25 तारखेला फिल्म बघूया आणि मग बाकी सगळे विषय जे छोटे मोठे असतील ते नंतर बघूया. राऊत सर, वैदेही काणेकर, साम टीव्ही. बोला. राऊत सर, बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचे विचार याला खरंच काही तोड नाही आहे, हे आजही प्रत्येक जण मानतोय, पण आज बाळासाहेब ठाकरे असते तर बेस्टच्या संपावर कुठला निर्णय दिला असता? हा सिनेमा खूप बेस्ट झालेला आहे. राऊत सर, या गाण्याचं संगीत अत्यंत बेस्ट आहे, प्रत्येक गोष्ट बेस्ट आहे आणि जिथे ठाकरे आहेत
ते बेस्टच बेस्ट असतं. पण त्यांच्या त्यांचे व्यंगचित्र जे बाहेर लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये निश्चितच मराठी माणसांसाठी त्यांनी जे रेखाटलेले व्यंगचित्र आहेत ते प्रामुख्यानं दिसून येत आहेत. आणि दुसरीकडे ज्या पद्धतीची गिरणी कामगारांची अवस्था झाली होती ती देखील त्यांनी दाखवलेली आहे. बेस्टचा संप हा सध्या मुख्य आहे, त्याच्याबद्दल त्यांनी कुठला निर्णय घेतला? मी म्युझिकच्या ट्रॅकवर बोलत होतो, तुम्ही ट्रॅक सोडून बोलताय. रावसाहेब मयुरेश आज तक से यहाँ रावसाहेब इकडे ये सवाल आपको और आदित्य को है बेसिकली कि बाल ठाकरे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, महाराष्ट्रियन थे, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि मराठी सिनेमा को थिएटर मिलने के लिए बहुत परेशानी हो रही है. आपकी पार्टी हो और कोई पार्टी हो, सब मिलके एक आंदोलन करते, तो इसको लेके आप क्या कहोगे? मुझे लगता है 1200 थिएटर तो मिल गए अभी. मैं आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सवाल जो है गलत है. अजीत अंधारे जी मेरे साथ बैठे हैं, खड़े हैं. काशीनाथ घाणेकर, मराठी फिल्म, क्या कुछ प्रॉब्लम था थिएटर मिलने में? मुझे नहीं लगता है, आप बताइए. आई थिंक हा जो सब्जेक्ट है अपन ते दृश्य सिनेमामध्ये बघू है. पण ही म्हणजे मला वाटत नाही, आज आम्ही मराठीमध्ये सिनेमे करतो, हिंदीमध्ये करतो, हॉलिवूड करतो, मला वाटतं ही गोष्ट आज हा आपल्याला प्रॉब्लम नाही आहे. आणि जर एक अशी फिल्म असेल जरा ज्याला हा प्रॉब्लम नसणारच, तर ती ही फिल्म आहे. तर मला नाही वाटत त्याच्यावर आपला काही महाराष्ट्र स्क्रीनमधील मराठी आणि मराठी में 2 महिने में इतनी फिल्में आई है जिसमें घाणेकर है, भाई है, अब ठाकरे है. मुझे लगता है कोई थिएटर का प्रॉब्लम नहीं है. आपने पर्दे पे देखा होगा, बाला साहब ने ये प्रश्न हमेशा के लिए मिटा दिया था उस वक्त. 1200 स्क्रीनमधील मराठी आणि हिंदी किती असतील? 1200 स्क्रीनमधील मराठी आणि हिंदी बायफर्केशन कसं असेल? सो मराठी में म्हणजे जो आपला मेन प्लॅनिंगचा प्रिन्सिपल आहे की जितकी आपली ऑपॉर्च्युनिटी म्हणा, युनिवर्स म्हणा, जितके आपले थिएटर्स आहे, आपला कोणताही थिएटर सुटलेला नाही पाहिजे. म्हणजे ही संख्या आपली 400 टच होणार किंवा क्रॉस होणार. आणि ही नुसती मराठी आहे आणि मग त्याला सोडून हिंदी आणि दुसऱ्या टेरिटरीजमध्ये जे स्क्रीन लागणार आहे ते जसं आज सांगितलं ती संख्या 1200 करीब येतेच. सो मराठी में तो दिस विल बी अ बिगेस्ट रिलीज वी हॅव एवर डन. Hi, I'm Preeti Sompura from India TV. My question is for Nawaz. Nawaz, इस कैरेक्टर के लिए जो है आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? क्या आपने बाला साहेब की पुरानी स्पीच भी सुनी थी या फिर आपने हमने सुना कि आपने मराठी लैंग्वेज भी इसके लिए आपने सीखी है? जी सब सीखा, जितना भी मैं कर सकता था सब किया. अभी फिलहाल तो क्योंकि मेरे ख्याल से म्यूज़िक का है, म्यूज़िक के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं आज. बट मैं जो अपने बारे में बताऊंगा, जो मैंने किया था, वाकई मैंने बहुत मेहनत की थी. और कितनी मेहनत की थी वो खैर मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आज तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, अभी बहुत टाइम है हमारे पास. सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. आई लुक्ड हिंदी ओके. तो मैंने पहले इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे बाला साहेब जी के स्पीचेस देखे ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने कुछ मीनाताई के बारे में ज़िक्र किया होगा. बट मोस्टली वो सारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस थे. फिर बहुत ढूंढ ढांड के मुझे एक इंटरव्यू मिला जो बाला साहेब के यंगर सिस्टर का था, मिसेस संजीवनी करंदीकर का. और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मीना ताई जो थी वो प्रबोधन कर ठाकरे जी, यू नो हाउ वॉज शी एज़ अ डॉटर इन लॉ, हाउ वो एक पत्नी के रूप में कैसे थी, वो एक माँ कैसी थी घर में, वहाँ से मुझे, और एक सिस्टर इन लॉ कैसी थी, वहाँ से मुझे बहुत ब्रीफ बट अच्छा क्लू मिला. उसके अलावा लिमिटेड फोटोग्राफ्स थे जहाँ पे मैंने देखा उनका फेशियल एक्सप्रेशन, वो होठ अपना कैसी रखती थी, उनके फेस पे एक भाव एक टिपिकल था, उसको मैंने स्टडी किया, उनका बॉडी लैंग्वेज. एंड आई थिंक इतना एज, मतलब फ्रॉम 28 टू 60 इयर्स की उम्र तक आप मीना जी को देखेंगे तो वो भी एक चैलेंज था. बट आई थिंक अमृता वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट हैविंग अ रेफरेंस और एक विजुअल अपने दिमाग में बनाना कि ऐसे, और उससे जस्टिस करना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों ने देखा है. बट टू डू दैट आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब. एंड प्लीज संजय साथी, शी डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विदाउट अ रेफरेंस. थैंक यू राहुल सर. वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस, प्लीज कृपया फिल्म पे आप सवाल आधारित रखें.
लास्ट दो सवाल प्लीज अपना नाम लेके फिल्म पे हाय माय नेम इज वैष्णवी एंड आई एम फ्रॉम टाइम्स एक एक्चुअली द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब सबसे पहली बार हमारे प्रोड्यूसर संजय राउत जी सेट पे आए थे हम माटुंगा में डेविड ससून में शूटिंग कर रहे थे और मैं 60 इयर्स के मीना ताई के गेटअप में सेट पे आई थी मुझे किसी ने नहीं पहचाना नवाज जी ने भी नहीं पहचाना उस दिन वो भी आके खड़े हो गए उन्होंने पहचाना ही नहीं हाय हेलो नहीं बोला और राउत सर को जब मैं सबसे पहली बार मिली आई वॉज द 60 ईयर ओल्ड मीना ताई इन फ्रंट ऑफ हिम आई कैन नेवर फॉरगेट दैट माई क्वेश्चन इज टू राउत सर आई एम वैष्णवी फ्रॉम टाइम्स सर आपने कहा था कि हिंदी का जो फिल्म है वो उसके लिए सर्टिफिकेशन मिल चुका है सेंसर बोर्ड से लेकिन कई ऑब्जेक्शंस भी लिए गए थे बाबरी मस्जिद जो दिखाया गया है कुछ डायलॉग्स है उसको लेकर तो क्या एग्जैक्टली हुआ है वो सारे सीन्स आपको किसने बताया क्या ऑब्जेक्शन है सर तो क्या सीन्स है बाबरी मस्जिद वाले देखिए सब कुछ है जो आप चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं मैंने पहले भी कहा था कि ये सेंसर की कैची वगैरह बाला साहब के लिए बहुत छोटी बात है बाला साहब दूसरे के ऊपर सेंसर लगाते थे ये क्या है सब कुछ है और सर आप उसी दिन और एक फिल्म भी रिलीज हो रही है कई बातें हो रही थी कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे ऐसा किसी ने नहीं कहा है ना मेरे पार्टी की तरफ से कहा है ना और किसी ने कहा है कभी हम ये बात देखिए ये जैसा मैंने कहा कि जी और जीने दो ये बाला साहब का हमेशा मंत्र रहा है तो ये गलत बात है एएनएलला स्टेटमेंट दिल्याप्रमाणे सीबीएफसी सोबत तुमच्या मीटिंग चालू होत्या तर त्याबद्दल सविस्तर सांगू शकाल का कुठून प्रश्न आलाय सॉरी सीबीएफसीकडे एएनएलला स्टेटमेंट दिलंय सीबीएफसीने की तुमच्या त्यांच्या मीटिंग चालू होत्या तर त्याबद्दल सविस्तर सांगू शकाल का क्लिअर बोला ना काय सेन्सॉर बोर्ड सोबत निर्मात्यांच्या मीटिंग चालू होत्या असं सेन्सॉर बोर्ड सोबत कधी मीटिंग्स होत नाहीत सेन्सॉर बोर्डची प्रोसिजर फार वेगळी आहे संजय जी रिसेंटली आमिर खान ने भी कहा कि फिल्म जो ठाकरे है उसके सामने कोई और फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए ऐसा किसी ने कहा नहीं है मेरे पार्टी में नहीं आमिर खान ने कहा सामने उद्धव जी बैठे हैं आदित्य जी है ये हमारी पार्टी की कभी आइडियोलॉजी ना रही है ना वर्किंग स्टाइल रही है Recently, coming back Amir to the Khan music of the film, Mr. Bhassi, we would like to know from you. So there was a tussle, he said, between music and no music. Where did that come from? We had a discussion on this. Then I said, like, you know, let's have some music, you know, to promote this. Because when you take this movie to overseas, you know, for a common people, so you need to have some sort of entertainment, some sort of music. So that's what we discussed the other day. I think that will be it. And thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Hello. Time for the photo op. Can we please have, sir? Udhav, sir, please, aayye. Can I please, pehle cast aur crew ko aane dijiye aage. Ek second, sir, cast aur crew ko aane dijiye. Udhav ji, please, yaar, tumhi stage par.